जिसके हाथ से कन्यादान होता है वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, प्रफुल्ल भाई शुक्ल। वलसाड़ भेंट भंजन महादेव मंदिर में चल रही कथावाचक प्रफुल्ल भाई शुक्ल की राम कथा में आज धूमधाम से सीताराम विवाह उत्सव मनाया गया। इससे पूर्व पोथी एवं व्यास पूजन उपस्थित का दर्शकों द्वारा किया गया। भगवान रामचंद्र की बाल लीला का विस्तार से वर्णन किया गया। दुल्हन की विदाई की दुखद कहानी सुनाई गई। डेढ़ घंटे तक चली दुल्हन की विदाई की दुखद घटना में भावी भक्त आंसू के भासाद भावुक हो गए। आज वनुभाई भिकुभाई बारी, पूर्व प्राचार्य बी एन जोशी, पूर्व प्राचार्य योगेश भाई भट्ट और तमिलनाडु के विद्वान भूदेव शंकर अयंगर को सम्मानित किया गया। वलसाड़ की अनसुया बेन जिमी भाई डॉक्टर सीताराम बनी और एक ज्वलंत समारोह मनाया गया। भीड़ भंजन महादेव मंदिर पर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चल रही राम कथा में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कल कथा में राम वनवास एवं केवट प्रसंग की कथा का वर्णन होगा। पूज्य शिवजी महाराज की प्रेरणा से आयोजित ये राम कथा गति पकड़ रही है।